फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूनम और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेजॉन कुर्ती हॉल। सो ये सारे कुर्ती बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिले हैं। सारे कुर्ती अंडर 500 रुपीस में है। सो जो लोग अंडर 500 रुपीस में कुर्ती ढूंढ रहे हो ऑफिस के लिए, रेगुलर वेयर के लिए, छोटे मोटे फंक्शन के लिए, सो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही प्रिटी सी सारी कुर्ती है, प्लस 500 के अंदर मुझे मिल गई है। सो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना है ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। सो चलिए हम देख लेते हैं कि ये सारी कुर्ती हमें कैसे रिसीव हुई है। सो यहाँ पे मैंने 5 कुर्ती परचेज की है अंडर 500 रुपीस में। ये सारे कुर्ती मुझे 300, 350, 400 के आसपास ही पड़ी है। एक भी कुर्ती ऐसी नहीं है कि 500 के ऊपर मुझे मिली है। साथ ही मैंने प्लाजो कॉम्बो परचेज किया है। ये कॉम्बो मुझे 500 रुपीस में मिला है और यहाँ पे मुझे 3 प्लाजो मिलते हैं। और प्लाजो में कलर ऑप्शन थे, आप ब्लैक, वाइट, गोल्डन भी परचेस कर सकते हो, रेड, ब्लैक, व्हाइट भी परचेस कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन है, सो आप वहाँ से चूज कर सकते हो। मुझे ये 3 कलर के प्लाजो चाहिए थे, सो मैंने ये कॉम्बो चूज किया। सो चलिए हम देख लेते हैं कि क्वालिटी इसका कैसा है। प्लाजो हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है, ब्लैक कलर में है, स्मॉल टू लार्ज को आराम से फिट हो जाएगा। इलास्टिक का क्वालिटी भी काफी अच्छा है, बट मटेरियल का क्वालिटी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। अब देख सकते हो एकदम सी थ्रू है, सो मुझे नहीं लगता कि ये प्लाजो क्वालिटी के हिसाब से अच्छे हैं। बट 500 में हमें 3 प्लाजो मिलते हैं, सो प्राइस के हिसाब से मुझे अच्छे लगे हैं। सो ब्लैक कलर है ये एक, मुझे वाइट कलर मिला है, सो इसका क्वालिटी भी सेम ब्लैक वाले की जैसे ही है, सो क्वालिटी वाइज ओके है। वाला प्लाजो मेरा कुछ इस तरह से है, सो इसका क्वालिटी भी सेम है, क्वालिटी हमें सेम मिलता है और क्वालिटी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। सो तीनों प्लाजो का क्वालिटी ओके है, क्वालिटी वाइज मुझे इतने इम्प्रेसिव नहीं लगे हैं। बट 500 में क्या मिलता है गाइस, यहाँ पे हमें 500 में 3 प्लाजो मिले हैं। सो प्राइस के हिसाब से मैं इसे पैसा वसूल बोलूंगी क्योंकि इतने बुरे भी नहीं है। हम कुर्तीज के साथ इसे आराम से वेयर कर सकते हैं। मटेरियल ओके है और ये मटेरियल नायलॉन की जैसा है थोड़ा सा, सो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है बट प्राइस के हिसाब से ओके है। सो हम वन बाय वन करके कुर्ती देख लेते हैं, कुर्ती हमें कैसी रिसीव हुई है। सो फर्स्ट कुर्ती हमारी कुछ इस तरह से है, पिंक कलर में है, राउंड नेक है यहाँ पे और नेक के पास हमें कुछ इस तरह से सीक्वेंस वर्क का लेस दिया है। प्रिंटेड वर्क है, जरी वर्क है बट जरी निकल नहीं रहा है, ये इसका बेस्ट पार्ट है। सो ये मैंने स्मॉल साइज में परचेज किया था। सो साइज के लिए आप साइज चार्ट जरूर फॉलो कीजिए, वैसा मेरा एम साइज है बट साइज चार्ट को फॉलो करते हुए मुझे स्मॉल साइज लेना पड़ा और ये मुझे परफेक्ट आ रहा है। अगर आप एकदम टाइट टू नहीं पहनना चाहते तो आप एम साइज लीजिए, एक साइज बड़ा लीजिए, बट ये मुझे परफेक्ट आ गया है। सो कुर्ती कुछ इस तरह से है, यहाँ पे भी हमें प्रिंट का वर्क दिया है। सो ये कुर्ती मुझे 300 या 350 के आसपास मिली है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो क्वालिटी वाइज ये मुझे अच्छी इतनी नहीं लगी है बट लुक वाइज मुझे 5 out of 5 लगी है क्योंकि जैसी हमें इमेज में दिख रही थी एज इट इज वैसी ही रिसीव हुई है। 3/4 स्लीव्स है कुर्ती का और ये कुर्ती के साथ आप वाइट लेगिंग्स, जैगिंग्स, जीन्स या फिर प्लाजो कुछ भी वेयर करोगे तो बहुत ही प्रिटी लगेगा। इसके साथ आप गोल्डन कलर का जैगिंग्स या फिर प्लाजो भी वेयर कर सकते हो, लुक एकदम ब्यूटीफुल लगेगा। मटेरियल की बात करूँ तो सिल्क मटेरियल है और मटेरियल का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है बट 350 के हिसाब से मुझे ये कुर्ती एकदम पैसा वसूल लगी है। लुक में बहुत ही प्रिटी है और मटेरियल वाइज भी ओके है। नेक्स्ट कुर्ती मेरी कुछ इस तरह से है, ब्लैक कलर में, बहुत ही प्रिटी सी है, गोल्डन कलर में, यहाँ पे प्रिंटेड वर्क दिया है, राउंड नेक है, 3/4 स्लीव्स है इसका।
ये कुर्ती कुछ इस तरह से है। ये कुर्ती भी मैंने स्मॉल साइज में परचेज की है जो मुझे एकदम परफेक्ट आ गई है। तो ये कुर्ती एकदम सिंपल एंड सोबर कुर्ती है, मुझे बहुत ही पसंद आई है। ब्लैक कलर में है, इसके साथ आप ब्लैक कलर की लेगिंग्स, जेगिंग्स, गोल्डन कलर की लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजो कुछ भी वेयर करोगे तो एकदम परफेक्ट लगेगा। सो यहाँ पे जो वर्क दिया है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, प्रिंटेड वर्क है, जरी वर्क नहीं है। सो ये वर्क नहीं निकलेगा, बट आप इसे कोल्ड वाटर में ही वॉश कीजिए। कोल्ड वाटर में वॉश करेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगी। और गाइस 350 में बहुत ही प्रिटी सी कुर्ती मुझे रिसीव हुई है। मटेरियल की बात करूँ तो सिल्क मटेरियल है और मटेरियल का क्वालिटी मुझे ओके लगा है, बट कुर्ती लुक वाइज मुझे बहुत ही प्रिटी लगी है। सो नेक्स्ट कुर्ती अगेन मैंने ब्लैक कलर में परचेज की है और ब्लैक कलर की कुर्ती मुझे बहुत टाइम से लेनी थी और फाइनली मैंने ले ली। अमेजोन पे बहुत ही मुझे अफोर्डेबल प्राइस में ये कुर्ती मिली है। ये कुर्ती मुझे अराउंड 400 या 500 के आसपास ही मिली है। बहुत ही प्रिटी सी है, आप देख सकते हो राउंड नेक है और नेक के पास हमें कुछ इस तरह से पोटली बटन दिए हुए हैं और यहाँ पे हमें हुक भी दिए हुए हैं जो हम इसे ओपन कर सकते हैं। पूरी प्लेन ब्लैक कुर्ती है और यहाँ पे हमें 3/4 स्लीव्स दिया है, अंदर हमें कोई इनर नहीं दिया है। मटेरियल की बात करो तो रेयन कॉटन मटेरियल है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला कॉटन है। यहाँ पे मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दी है, मटेरियल वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। सो मटेरियल वाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ये कुर्ती और प्राइस वाइज तो मैं इसे एकदम पैसा वसूल बोलूँगी। सो ब्लैक कलर की कुर्ती आप अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो और इसे सिंपल भी रखोगे तो भी बहुत ही प्रिटी लगेगा। इसके साथ आप ब्लैक कलर का लेगिंग्स, जेगिंग्स कुछ भी वेयर कर सकते हो, पिंक कलर का प्लाजो भी वेयर कर सकते हो, साथ ही दुपट्टा लोगे तो एकदम प्रिटी सा लगेगा। सो ये कुर्ती मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, ये कुर्ती आपको ज़रूर लेनी चाहिए, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट कुर्ती मेरी कुछ इस तरह से है, ब्लू कलर में। ये कुर्ती भी मैंने 300 के आसपास ही परचेज की थी। स्लीवलेस है, ब्लू कलर में है और बहुत ही सिंपल सी कुर्ती है। सो पूरे कुर्ती पे हमें कुछ इस तरह से गोल्डन प्रिंटेड वर्क दिया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मटेरियल की बात करूँ तो 100% कॉटन मटेरियल है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल है। राउंड नेक दिया है हमें आगे और पीछे दोनों और स्लीवलेस है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। सो ये कुर्ती मैंने स्मॉल साइज में परचेज की है और इसके अंदर साइज भी अवेलेबल है। सो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो, साइज के लिए आप साइज चार्ट ज़रूर फॉलो कीजिए। ये कुर्ती मुझे बहुत ही प्रिटी लगी है लुक में। सो 2-3 कुर्ती मैंने सेम ब्रांड से परचेज की थी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। सो ये सारे ब्रांड की कुर्ती मुझे बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल रिसीव हुई है। लगने में बहुत ही सिंपल कुर्ती है, आप इसे ऑफिस में भी वेयर कर सकते हो, बट ये कुर्ती को आप बहुत अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो और इसके साथ आप लेगिंग्स, जैगिंग्स कुछ भी वेयर करके एकदम सिंपल भी रख सकते हो, क्योंकि बहुत ही सिंपल और प्यारी सी क्यूट सी कुर्ती है। ये कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। सो नेक्स्ट कुर्ती मेरी कुछ इस तरह से है, एकदम सिंपल सी कुर्ती है, राउंड नेक है। ये कुर्ती भी मैंने स्मॉल साइज में परचेज की थी, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे परचेज कर सकते हो और यहाँ पे हमें जो बटन दिया है वो हम ओपन कर सकते हैं, सो इजीली हम इसे वेयर कर सकते हैं। प्रिंटेड वर्क दिया है, जरी प्रिंटेड वर्क है और ये वर्क वॉश होने के बाद निकल सकता है क्योंकि कुछ जरी निकल भी रही है। मटेरियल की बात करूँ तो सिल्क मटेरियल है और ओके टाइप का मटेरियल है, इसके अंदर हमें इनर पहनना ही पड़ेगा। सो पूरी कुर्ती कुछ इस तरह से है, ये कुर्ती के साथ आप प्लाजो भी वेयर कर सकते हो, पिंक कलर का प्लाजो भी वेयर कर सकते हो। सो ओवरऑल ये सारी कुर्ती मुझे बहुत ही प्रिटी लगी है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे अमेजोन से मिल गई है। सारी कुर्ती का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।